हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम नामिका दहिया। वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं, कैसे उन्हें मेंटेन किया जाता है, आज हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। एंड दिस वन इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड कार्ड, इज अ कॉपी ऑफ हिजर अचीवमेंट, जिसके अंदर बच्चे की अचीवमेंट बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, इन्हें क्या कर लिया जाएगा, उसके मार्क्स, उसका पार्टिसिपेशन और उसका को करिकुलर एक्टिविटी में क्या पार्टिसिपेशन था, इन सबको एक ही जगह दिखाया जाता है। और मैं ये एक बात और कहूंगी कि फर्स्ट डे बच्चे का जो स्कूल का था, और जब तक वो बच्चा है टिल द सेशन, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जब एक जगह पे रिकॉर्ड की जाती है तो आप उसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हो। सो इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड जिसके अंदर बच्चे का पूरा डाटा फर्स्ट डे टू टिल डेट क्यूमुलेटिव। देखो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, अगर आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो हमारी नेक्स्ट आ जाएगी 3, हमारी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 6, इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगी, इन सबको जोड़ोगे, जैसे 3 3 6 और 6 12, तो हमारी नेक्स्ट ये आ जाएगी, और ऐसे ही हम आगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है कि अब तक बच्चे ने जो भी कार्य किया है उन सबका लेखा जोखा भी आप साथ में लेके चलोगे कि बच्चे ने कोकरिकुलर एक्टिविटी क्या किया, मार्क्स कितने गेन किए, पॉजिटिव नेगेटिव आस्पेक्ट क्या थे, और कौन से सब्जेक्ट में उसे ज्यादा स्ट्रेंथ्स हैं या कौन क्या स्किल्स हैं बच्चे की, उसके बारे में। कॉन्टेंट्स ऑफ द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, कॉन्टेंट क्या है, सबसे पहले रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट टेस्ट, बच्चे के समय समय सारणी में जो भी टेस्ट बच्चे ने परफॉर्म किए हैं उनके बारे में रिकॉर्ड रखना, बच्चे के अचीवमेंट टेस्ट के बारे में रिकॉर्ड रखना, एप्टीट्यूड, अगर कोई भी प्रकार का कोई टेस्ट हुआ है जिसमें यू कैन रिकॉर्ड द एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड, रीजनिंग हो सकती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बच्चों का एप्टीट्यूड का परीक्षण किया गया कि बच्चे की योग्यता क्या है, वो भी इसके अंदर आएगा। एटीट्यूड टेस्ट, वो भी इसके अंदर आएगा। अगर बच्चे ने कोई भी लैकिंग किया है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है वो लिखोगे, और इंटेलिजेंस टेस्ट इज ऑल्सो देयर टू मेंटेन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट है स्टेटस टू पार्टिसिपेंट इन द डिफरेंट कोकरिकुलर एक्टिविटी। ये तो हमारा सारा अकेडमिक से रिलेटेड हो गया। अब कोकरिकुलर एक्टिविटीज में कौन कैसे ऑर्गेनाइज हुई थी, स्कूल लेवल पे, अदर स्कूल में, जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उनके बारे में बच्चे से पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी रखी जाएगी कि कोई टाइम एलर्जी तो नहीं थी, किसी चीज से कोई बीमारी तो नहीं हुई है बच्चे को, और क्या एक्शंस लिए थे, कैसे बच्चा ठीक हुआ था। डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो देयर कि कभी सस्पेंशन तो नहीं हुआ है, कभी एक्सक्लूड तो नहीं कर दिया गया स्कूल से, और क्या एक्शंस लिए गए हैं, अगर पॉजिटिव है तो वो भी लिखना है। नेक्स्ट आते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, ये रिकॉर्ड जो है बच्चे की अचीवमेंट को बताएंगे फॉर द डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में क्या रहा उसके बारे में रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रखोगे, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती घटती है उसके बारे में रखोगे, और आप उससे रिलेटेड रिमेडियल स्टेप्स भी लिखोगे कि अगर बच्चे ने ऐसा किया है तो आप उनसे कैसे, आपने कैसे रेमेडी प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि सब्जेक्ट कंसर्न था उसके बारे में भी आप लिखोगे कि प्रायर क्लासेस में उसने क्या किया, वो क्या वोकेशन चूज करना चाहता है, क्या प्रोफेशन में वो जाना चाहता है, और द रिजल्ट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट कि कभी बच्चे का पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ है तो वो लिखेंगे, इमोशनल टेस्ट इज ऑल्सो देयर, काउंसलिंग सेशन इफ एनी प्रोवाइडेड तो वी हैव टू राइट इट डाउन इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसके अंदर बच्चे ने कैसे एडमिशन लिया, कब लिया, कौन सी क्लास में कितने नंबर लिए, कोकरिकुलर एक्टिविटी क्या की है, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहे थे, एटीट्यूड कैसा टेस्ट दिया उसने, इंटेलिजेंस कैसे टेस्ट दिए, कभी डायग्नोस टेस्ट हुए हैं तो उनके बारे में भी। सो वी कैन से दैट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन टिल डेट रखी जाती है। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टीचर्स के लिए एकेडमिक सेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्कूल प्रिंसिपल ऑल्सो कैन यूज द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्योंकि उसके अंदर पूरी टेस्टिमोनियल होता है कि बच्चे ने क्या क्या चीजें की हैं, और बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ होता है कि हाँ इनके रिस्पेक्ट में ये बच्चे ने कार्य किया है। सैंपल है, जैसे बच्चे का नाम आ जाएगा, फुल मिडल, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्लेस आ जाएगा, सोशल नंबर आ जाएगा, मदर नेम, फादर नेम, कोई गार्जियन है उनका पूरा एड्रेस, फोन नंबर, हिस्ट्री आ जाएगी, जैसे ग्रेड वन में क्या था, स्कूल कौन सा था, सिटी कौन सी थी। ये तो सिर्फ फैक्चुअल चीजें मैं बता रही हूँ, ऐसे ही अप टू टेंथ उसके बारे में आ जाएगी, यहाँ पे उसका रिसेंट फोटोग्राफ आ जाएगा और सिग्नेचर आ जाएंगे। सो इट इज अ सैंपल, और उसके बाद जो रिटन मैटर ऑल्सो कैन इंक्लूडेड जिसके अंदर बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन वी कैन एड। सो स्कूल जनरली मेंटेन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड ऑन देयर
इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड जैसे आए थे और कॉन्टिन्यूसली उसने जो चीजें मेंटेन रखी हैं, सो बच्चे के एक पूरे कंसर्न को जानने के लिए हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाने का ये मतलब भी है कि बच्चों की प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ हम कंबाइन कर पाए। अब देखो, जैसे ये बच्चे का नाम आ गया, कौन सी क्लास में एडमिट हुआ, कब हुआ, उसके फादर मदर का नेम आ गया, स्टेटस ऑफ पार्टिसिपेशन, कौन कौन सी डे एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे दिवाली, ईद, गुरु पूर्व पर्व, इनमें सब में किया है, 2015 में उसने क्या चीजें की थी, हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी बच्चे को बता दिया कि फिजिकली फिट है, आई साइट कितनी है, वेट कितना है, ये सारी चीजें भी बच्चे की बता दी गई हैं उस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में, ठीक है। उसके साथ आप फुटनोट्स भी लगा सकते हो कि आपने बच्चे के बारे में कोई ऐसी स्पेशल है तो उसे हम नोट डाल के भी लगा देंगे। उसके अचीवमेंट टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस थी, डिफरेंट, जैसे अर्जुन राजपूत की बात हो रही थी तो डिफरेंट सब्जेक्ट में उसने क्या मार्क्स लिए ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या ग्रेड ली है, क्या कितने सबमिटिव फॉर्मेटिव में कितने मार्क्स थे, सबमिटिव में कितने मार्क्स थे, उसे फिगर आउट कैसे किया है, लैंग्वेज कौन सी चूज की है बच्चे ने, संस्कृत थी, हिंदी थी, क्या था बच्चे के पास, और कंप्यूटर स्टडी में बच्चा कैसा है, देन इसके बाद उस फिगर आउट करना है आपको मैथ्स और साइंस में कैसा था, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है बच्चे की, एंड स्पोर्ट्स में कैसा वो बच्चा था, वो भी हम नोटिफाई करके रखेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। तो आज की क्लास में हमने जाना कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड विच इज वेरी मच ब्रॉडन अप, जिसमें बच्चे का फर्स्ट डे एडमिशन से लेकर टिल डेट तक का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कब एडमिशन हुआ, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, हेल्थ से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट लिखोगे, अचीवमेंट क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री में क्या हुई है, किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, क्या स्किल है, क्या गोल वो अपनी लाइफ का लेके चल रहा है, कैसे उसने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिए, अचीवमेंट की है तो क्या की है, रेमेडीज उसे क्या प्रोवाइड हुई है, और जिसके साथ जो प्रॉब्लम आई एट दैट टाइम तो उनके सॉल्यूशन भी कैसे हुए हैं। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जहां एक रिकॉर्ड में रखते हैं वो रिकॉर्ड हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहलाता है। एंड वी ऑल्सो कैन एड द फुटनोट एट द एंड ऑफ द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, अगर हमें कुछ ऐसी चीजें बतानी है, इवन वी हैव टू मेंटेन द हेल्थ कार्ड ऑल्सो, जिसके अंदर बच्चा एलर्जिक तो नहीं है किसी चीजों से लेके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप एक ही जगह रखो। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।